मध्य प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी तक औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अभी तक मध्य प्रदेश में इस साल औसत के कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज मध्यम बारिश हो सकती है। इसमें भिंड, विदिशा, भोपाल, सीधी, सिंगरौली जिला शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश के भी संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज जिनमें मुरैना, सागर, रायसेन, रीवा, मऊगंज और शहडोल हल्की बारिश हो सकती है। एमपी में हुई 4% कम बारिश। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी तक औसत से 16% कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत 7% कम बारिश अधिक हुई है। इस प्रकार अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो औसत से 4% बारिश कम दर्ज की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर तेजी से दौड़ेगा, इससे धान की फसल को काफी फायदा होगा। एमपी के किस जिले में हुई कितनी बारिश? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश की बात की जाए तो शिवपुरी में 136% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर ग्वालियर है। ग्वालियर में सामान्य से 102% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस कड़ी में अगर कम बारिश की बात की जाए तो अभी तक रीवा में सबसे कम बारिश हुई है। रीवा में सामान्य से 51% कम बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह सीधी, उमरिया, नरसिंहपुर जिलों में भी सामान्य से 30 से 40% कम बारिश दर्ज की गई है।